अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि कुछ नया सीखने का इरादा रखते हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन आगाज़ है आपका। जो भी इंफॉर्मेशन आप कुछ नई सीखें टेक्नोलॉजी के हवाले से, दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। गूगल, जैसा कि आप जानते हैं, एक इंटरनेट जायंट है। इसने टेक्नोलॉजी में जितने भी इनोवेशंस लेके आया है, उसमें हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा की हैं। आज हम कीबोर्ड के हवाले से डिस्कस करेंगे, गूगल कीबोर्ड है। मेरा नाम एहसन है और मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी के मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है, यूट्यूब पर शेयर करूँगा और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कीबोर्ड, गूगल कीबोर्ड है, जैसा कि आप जानते हैं, ये पहले काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी जो इसने हमारे लिए खुशखबरी ये है कि एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, जिसमें आप अपनी आवाज़ में जो भी बोलेंगे गूगल आपके लिए टाइप करेगा। आप ये समझ लें कि आपको टाइप करने की ज़हमत ख़त्म हो गई है, टाइप करने का काम गूगल किस पर है। जी बोर्ड आप चेक करें आपके एंड्रॉयड हैंडसेट में, अगर पहले से मौजूद है, आपने उसकी मैनुअल सेटिंग करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। तरीकाकार, इंस्टॉल करें अगर नहीं है तो। आप चेक कर सकते हैं कि 500 मिलियन से ज़ायद यूज़र्स हैं इसके और 4.2 एवरेज रेटिंग है। 22.74 MB बहुत लाइट सी फाइल है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। जब तक एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, आप इसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं और इसके जो बाकी फ़ीचर्स हैं वो देख सकते हैं। ब्लाइंड टाइपिंग की सहूलत भी मौजूद है इसमें। अक्सर ऐसा होता है कि हमने टेक्स्ट कम्युनिकेशन के दौरान अपने फ्रेंड को कोई लिंक सेंड करना होता है गूगल से सर्च करके, गूगल सर्च इंजन में, और ब्राउज़र अलग से ओपन करना होता है। अब इसमें ये जहमत नहीं होगी। गूगल ने, आप चेक कर सकते हैं इस कीपैड में, जी का लोगो आपको शो हो रहा है, ये गूगल लोगो है। इसमें आपने जस्ट कुछ इस पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो एक स्मॉल सर्च इंजन ओपन होगा। इसमें जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी सर्च करना चाहेंगे, उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, आपने वो सेंड करना है जैसे आपके सामने है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप कुछ स्टेप्स हैं जो कि सेटिंग्स हैं, आपने तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है, सेलेक्ट कीबोर्ड इन योर लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स। एंड्रॉयड हैंडसेट की मैनुअल सेटिंग में अगर आप खुद से चेक करें तो उसमें भी ऑप्शन आता है लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग का। अब ये ब्लू टैब पे ब्लू टैब आपके सामने शो हो रहा है, जिसने लिखा हुआ है इनेबल इन सेटिंग्स। ये आपको मैनुअल सेटिंग में राउट करेगा। आप कीबोर्ड का ऑप्शन स्विच ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे। इनेबल करने पे आपके पास एक मैसेज शो हुआ है, आप इसको पढ़ें और ओके कीजिए। स्टेप टू की तरफ मूव करेंगे। स्टेप टू में वो ये कह रहा है कि आपने इस कीबोर्ड को डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड हमें यहाँ चेंज करना होगा, डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट किया। स्टेप टू कंप्लीट हो गया। स्टेप टू में ही मज़ीद पेशरफ्त होगी, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। पहला ऑप्शन आप लैंग्वेज देखें, इसमें आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। कीबोर्ड का जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कीबोर्ड की यूज़ सिस्टम लैंग्वेज, इसको मैं डिसेबल करूँगा और मैनुअली खुद से ज़ुबानों का इंतखाब करूँगा। इंग्लिश UK सिलेक्टेड है, मेरी ज़ुबान उर्दू है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मैं इसको पाकिस्तान उर्दू सेलेक्ट करूँगा। अगर इंडिया से ताल्लुक है, इंडिया में भी उर्दू बोली जाती है, तो इंडिया उर्दू सेलेक्ट करूँगा। उसके अलावा उर्दू ABC उर्दू में लिखा हुआ है, वो भी सिलेक्ट करूँगा। ज़ुबानों के इंतखाब के बाद आपको मैं
दोस्तों मैनुअल सेटिंग के हवाले से मैंने जिक्र किया था कि आप अगर तो एप्लीकेशन पहले से मौजूद है आपने एंड्रॉयड हैंडसेट की मैनुअल सेटिंग में, आपने चेक करना है लैंग्वेज इनपुट में। इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया था। हमारा करंट कीबोर्ड जीबोर्ड ही है, हमने सेलेक्ट कर लिया था। अगर तो पहले से एप्लीकेशन मौजूद हो आपने इसको मैनुअली खुद से करना है, ये जीबोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जुबानों का इंतखाब इस तरह करना है, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है जीबोर्ड कीबोर्ड सेटिंग में, ये हम कर चुके हैं। आप ये मैनुअली खुद भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ये वीडियो बेसिकली गूगल वॉइस टाइपिंग के हवाले से है। गूगल वॉइस टाइपिंग आपने मैनुअल सेटिंग में जाके इनेबल करनी है, ये ऑलरेडी इनेबल है, ऑटोमेटिक पे इनेबल है, आप खुद भी चेक कर लें एक बार। इसमें भी लैंग्वेजेस का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसमें भी अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लें। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई हैं इंग्लिश, यूएसए और यूके, उसके अलावा उर्दू भी सिलेक्टेड है। दोस्तों गूगल ने अपने तमाम यूज़र्स को ये सहूलत पहुंचा दी है कि वो अपनी जो भी उनकी ज़ुबान है वो सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं इसमें बेशुमार ज़ुबानें हैं, फ़ारसी है, मिस्र, लबनान, अरबी, अरबी है मुख्तलिफ ममालिक की। हमने उर्दू सेलेक्ट की है। इसके बाद अभी हमारी सेटिंग मुकम्मल हो चुकी हैं, अब हम इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कीबोर्ड अब विजिबल है, इसमें जी लोगो आपको शो हो रहा है, गूगल का लोगो है। आप अगर इस पर टैप करते हैं तो इसमें जो भी, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ पाकिस्तान, तो ये एक सर्च इंजन का ऑप्शन शो करेगा आपको। तो ये डेफिनेटली ये देखें, आप इसमें जो भी सर्च करेंगे पाकिस्तान के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है, आप वो शेयर करेंगे तो आप ये बजरिए SMS, WhatsApp और फेसबुक आप सेंड कर सकते हैं। खैर ये तो हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन हमारा मौजू है वॉइस टाइपिंग का। ये आप राइट कॉर्नर पे देखिए आपके पास आ रहा है जी, वॉइस टाइपिंग रेडी है, जो मैं बोलूँगा वो ये टाइप करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं ऑफिस से छुट्टी करूंगा। देखिए जो मैं टाइप कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो ये टाइपिंग कर रहा है इसकी। आप देख सकते हैं कि जो SMS करते हुए या WhatsApp करते हुए आपको टाइम लगता था, अब वो विद इन सेकेंड्स हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए इसमें आप कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड के नीचे स्पेस बार में आप देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, आप इस पर इसको टाइप करेंगे, इसमें लैंग्वेजेस चेंज करने का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप रोमन उर्दू में नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि प्योर उर्दू में ये टाइपिंग हो, तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है उर्दू पाकिस्तान। अभी आप देखेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज आप खाना मेरे साथ खाएंगे। दोस्तों टाइपिंग कीपैड के अलावा इसमें एक ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग का, आप कीपैड के दौरान भी वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट वॉइस टाइपिंग, गूगल वॉइस टाइपिंग आपने इनेबल करना है, ये भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम एहसन है और मैं आपको जी बोर्ड के हवाले से मालूमात शेयर करूंगा आपके साथ। देखिए ये ऑसम किस्म का एक बेहतरीन फीचर है ये, आप ये फीचर आपको बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करेगा। मैं समझता हूँ जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जी बोर्ड में वॉइस टाइपिंग में हमारी अपनी ज़ुबान शामिल हो चुकी है, शुक्रिया अदा करना चाहिए जी बोर्ड की, गूगल का।
हमारी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा की हैं। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और मौजू पे आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू।